सुप्रभात भाई चो, आप सब लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? घर पर मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हो ना? मन लगा कर पढ़ाई करना। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। क्या है? तीन बंदों वाले सब। लास्ट क्लास में मैं आपको दो बंदों वाले सब पढ़ाई थी। दो बंदों वाले सब क्या क्या होता है? जब दो अलग अलग वर्ड एक साथ मिल जाता है तो उसको दो बंदों वाले सब बोलते हैं। आज मैं आपको तीन वर्णों वाले शब्द पढ़ाऊंगी। तीन वर्णों वाले शब्द किसको बोलते हैं? जब तीन अलग अलग शब्द मिल जाते हैं तो वो तीन वर्णों वाले शब्द होते हैं। चलो हम कुछ चित्र आपको दिखाएंगे कि क्या क्या तीन वर्णों वाले शब्द होते हैं। देखो, का प्लस मा प्लस ना, ये तीन अलग अलग वर्ण जब एक साथ हम लिखेंगे और एक तो ये कौन सा चित्र है? देखो, फूल। कौन सा फूल? कमल। का प्लस मा प्लस न, कमल। और एक देखो वन क्या है? एक सब सा प्लस ड प्लस का, सड़क। सड़क पर हम चल कर जाते हैं, ठीक नहीं? गा प्लस ग प्लस न, गगन। आसमान, गगन। ग प्लस ग प्लस न, गगन। उसके बाद देखो ये कौन सा चित्र है? मा प्लस का प्लस स, मटर। खाते हो कि नहीं? मा प्लस का प्लस का मटर। चलिए हम अभी देखते हैं कुछ अलग अलग चित्र। देखो, कलम। का प्लस ला प्लस मा, कलम। का प्लस ला प्लस मा, कलम। ये क्या है? देखो, का प्लस ला प्लस सा, प्लस। ये क्या है? भवन। भा प्लस भ प्लस न, भवन। ये हवन। हा प्लस व प्लस न, हवन। ये क्या है? शहद। सा प्लस हा प्लस द, शहद। बालू को बहुत पसंद है। मा प्लस ग प्लस र, मगर। मगर बच्चे पानी में रहता है। झा प्लस ग प्लस ग, झगड़। आप तो लोग झगड़े करते हैं नहीं? वही झगड़। पा प्लस ता प्लस ग, हमें हमेशा ये पतंग। ना प्लस हा प्लस रा, नहर। इसके बाद देखो क्या है? सा प्लस हा प्लस रा,